हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, Realme 9 सीरीज के दो स्मार्टफोन Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G, ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में 10 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। अब हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि Realme 9 सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन और Realme 9 Pro सीरीज के अंदर जो है दो स्मार्टफोन, मतलब टोटल Realme 9 सीरीज के अंदर जो है चार स्मार्टफोन हो चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, तीन स्मार्टफोन या फिर जो है पहले तो दो ही स्मार्टफोन जो है लॉन्च हुआ करते थे, लेकिन अब जो है एक ही सीरीज के अंदर चार चार स्मार्टफोन, फर्क क्या होने वाला है? तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं Realme 9 वर्सेस Realme 9 जो SE वाला फोन है, उन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि जो उनका प्राइस सेगमेंट रहने वाला है ना, वो होने वाला है 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में, और एक ही प्राइस सेगमेंट में दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं 10 मार्च को। दोनों में बताने वाले हैं क्या फर्क है, डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं Realme 9 5G वर्सेस Realme 9 SE 5G के डिजाइन एंड डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इन दोनों का जो डिजाइन है ना, Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G, इन दोनों का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ फर्क आपको यहाँ पे मिलेगा, स्क्वायर आपको जो है कैमरा देखने को मिलेगा Realme 9 के अंदर, और वर्टिकल कैमरा देखने को मिल रहा है आपको Realme 9 SE 5G के अंदर। तो यहाँ पे एक तो कैमरा डिजाइन का फर्क है, एंड इसके अलावा जो है बैक डिजाइन जो है पूरा ही सिमिलर आपको जो है देखने को मिलेगा। वही आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा, मतलब पॉलीकार्बोनेट बड़ा डिजाइन होगा, ग्लोसी फिनिशिंग होगा, यहाँ पे शाइन करता हुआ कलर है, एंड रियलमी की जो है नीचे ब्रांडिंग है। एंड अगर फ्रंट डिजाइन की बात करते हैं तो वही होगा, पंच होल स्क्रीन, 6.6 इंच का डिस्प्ले साइज है, IPS पैनल आपको जो है दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, एक्चुअली फर्क है यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट का, जो कि Realme 9 5G होने वाला है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा 6.6 इंच का डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, एंड IPS स्क्रीन होगा 90 हर्ट्ज़ के साथ में आपको जो है देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जो इसका अपर वाला फ़ोन होगा, मतलब जो Realme 9 SE वाला मॉडल है, वहाँ पर आपको मिलेगा 6.6 इंच का डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, IPS पैनल, एंड 144 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, मतलब स्क्रीन जो रिफ्रेश रेट है ना, वहाँ पे आपको जो है फर्क देखने को मिलेगा। 90 हर्ट्ज़ आपको मिलेगा Realme 9 के अंदर जो बेस वाला मॉडल होगा, और जो SE वाला मॉडल होगा वहां पर होगा 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो पहला डिफरेंस आपको यहां पर जो है ये देखने को मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो Realme 9 जो बेस वाला मॉडल होगा Realme 9 5G, वहां पर चिपसेट यूज होगा MediaTek का Dimensity 810, जो कि नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला चिपसेट है, जो कि अगर हम कंपटीशन ब्रांड की बात करते हैं तो लगभग हमें जो है 14-15,000 रुपए में जो है प्रोवाइड करते हैं, वही आपको जो है Realme 9 5G के अंदर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, जो Realme 9 SE मॉडल है, वहां पर आपको मिलेगा Snapdragon 778G। गाइस, अगर इन दोनों के चिपसेट में कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंडर 20 के पे सेगमेंट में आता है ना ये, मतलब Snapdragon 778G, तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग फोन बन जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, Snapdragon 778G ऑलमोस्ट 24-25,000 रुपीस के सेगमेंट में आता है, लेकिन गाइस पहली बार जो है Realme 9 SE 5G के अंदर जो है लगभग 20,000 रुपए के अंदर ये फोन आने वाला है Snapdragon 778G के साथ में। और गाइस, यहाँ पे सेकंड जो फर्क है वो है परफॉर्मेंस के लिए। और गाइस, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो कैमरा परफॉर्मेंस में आपको कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों ही फोन के अंदर जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 MP के साथ में, एंड सेकंड थर्ड जो कैमरा है ना वो यहाँ पे वेस्ट कैमरा है, जो कि है 22 MP के साथ में। एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो है 64 MP का कैमरा प्रोवाइड करना चाहिए था इन दोनों ही फोन के अंदर, लेकिन गाइस आपको इन दोनों ही फोन के अंदर, मतलब Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G के अंदर, दोनों में आपको सेम कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि है 48 MP के साथ में प्राइमरी कैमरा सेंसर है, और सेकंड थर्ड कैमरा जो है 22 MP का मैक्रो एंड 2 MP का जो है डेप्थ को कवर करने के लिए देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल जो है दोनों में ही नहीं है। और गाइस, अगर फ्रंट कैम की बात करते हैं तो वो है 16 MP से कुछ है, इन दोनों ही फोन के अंदर फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन की बैटरी एंड चार्जिंग आउटपुट के बारे में, दोनों ही फोन में सेम बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है 5000 mAh की बैटरी एंड 33 W का चार्जिंग आपको जो है इनबॉक्स में देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन जो है 30 W चार्जिंग आउटपुट को जो है सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग में आपको जो है कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे वेरियंट की बात करते हैं, तो बेस वेरियंट हो सकता है कि 6GB 64GB हो Realme 9 5G के अंदर, एंड 6GB 128GB हो Realme 9 जो SE वाला मॉडल है, वहां पर हो सकता है कि यहां पर आपको 6/128 वाला वेरिएंट देखने को मिले, जो बेस वेरिएंट होगा। और गाइस, अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो होगा यहां पे साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। तो गाइस, ओवरऑल अगर यहां पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो आपको डिफरेंस क्या मिला, एक तो डिस्प्ले क्वालिटी का और परफॉर्मेंस का, इसके अलावा जो है इन दोनों ही फोन में जो है सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिलता है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप Realme 9 5G का वेट कर रहे हो या फिर से Realme 9 SE 5G का वेट कर रहे हो। जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया था हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।